दोस्तों, अब तक आपने वाईफाई मॉडम और राउटर के बारे में सुना होगा, पर क्या आप वाईफाई रिपीटर के बारे में जानते हैं? दरअसल इंटरनेट के दौर में कई ऐसी डिवाइस पेश की जा रही है जो सुविधाओं में इजाफा कर रही है। ऐसी ही डिवाइस है वाईफाई रिपीटर। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच इसकी सीमित रेंज एक समस्या बन रही है। वाईफाई रिपीटर इसी समस्या का एक हल है। वर्तमान में कई तरह के वाईफाई रिपीटर मौजूद हैं। कुछ प्रीमियम क्वालिटी के वाईफाई रिपीटर भी हैं जिन्हें मोबाइल ऐप की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये कौन सी डिवाइस है और ये कैसे काम करती है? दोस्तों, वाईफाई रिपीटर को वाईफाई एक्सटेंडर के नाम से भी जाना जाता है। आसान भाषा में समझे तो इंटरनेट के लिए आप मॉडम या राउटर का इस्तेमाल करते हैं, पर इसके जरिए इंटरनेट एक तय रेंज तक ही पहुंच पाता है। वाईफाई रिपीटर आपके इंटरनेट की रेंज को बढ़ाने का काम करता है। यह डिवाइस वाईफाई के सिग्नल की रेंज को दूर तक पहुंचाने में मदद करती है। वाईफाई रिपीटर इंटरनेट की रेंज कैसे बढ़ाता है, अब इसे भी समझें। इसे एक ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से घर या ऑफिस के प्राइमरी मॉडम के सिग्नल ठीक से पहुंच रहे हैं। ऐसी जगह पर मौजूद पावर प्लग में वाईफाई रिपीटर को लगा दिया जाता है। यह मुख्य मॉडम से निकलने वाले सिग्नल को रीड करके इसकी रेंज को बढ़ाने का काम करता है, यानी इसके लगने के बाद आपको कुछ और दूरी तक इंटरनेट उपलब्ध हो पाता है। ये खासकर ऐसे यूजर्स के लिए बेहतर विकल्प है जो बड़ी जगह पर है और वहाँ एक ही वाईफाई कनेक्शन है। इस तरह वो वाईफाई रिपीटर की मदद से इंटरनेट की रेंज को बढ़ा सकते हैं। इसमें एंटीना लगा होता है जो रेंज को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए किसी तरह की केबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह वायरलेस तरीके से काम करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि घर के किसी ऑफिस या किसी खास हिस्से में सिग्नल नहीं पहुँचते हैं। ऐसी जगहों के लिए भी ये एक बेहतर डिवाइस है। इसे लगाने के लिए किसी भी टेक्नीशियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउ टू गीक की रिपोर्ट के मुताबिक वाईफाई रिपीटर कई तरह की रेंज में आते हैं। सस्ते और महंगे दोनों तरह के वाईफाई एक्सटेंडर मार्केट में मौजूद है। इसे आप अपनी सुविधा के मुताबिक खरीद सकते हैं। कुछ प्रीमियम वाईफाई रिपीटर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने पर कुछ हद तक ओवरऑल बैंडविड्थ में गिरावट देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।